ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन आज तीन प्रमुख दल पक्ष वर्तमान समय झारसुगुड़ा उपजिलापाल ऑफिस भितर नामांकन प्रतीक दाखल कर वर्तमान समय आप देखुए ये हूँ उपजिलापाल कार्य सम्मुख चित्र राज्य सभापति बीजेपी समीर महतो अच्छे प्रतीक रखा सर कौन कहे देखुचु आज राधारानी पंडा नामांकन पत्र दाखल कले केमती कौन आगे निर्वाचन पर रणनीति प्रस्तुत रोक देखु ये निर्वाचन मैदान में आज जो नोमेसन है जो कार्यकर्ता मान उत्साह मुझे देखी निश्चित रूप मुझे गभीर आशावादी निश्चित रूपे कार्यकर्ता मानकर जो उत्साह अच्छी ये भोट्रे रूपातरित हम आम विजय बंडित हम शासक दल पे कितने इफेक्ट पकेबा ये उपनिर्वाचन थरो निश्चित रूपे ये उपनिर्वाचन कौटि ना कौटि जनमत को प्रभावित करने शासक दल चेष्टा करु लोक जो भाई भाव में सचेतन होती जो मोदी दीर्घ दिन जो जुगांतकारी योजना दीर्घ आठ वर्ष भितर से पीवा पानी कथा हो से प्रधानमंत्री आवास योजना कथा हो कि चाषी मानकर बिहन टू बजार पर्यंत विभिन्न प्रकार योजना कथा हो लोक कोटि ना कोटि वंचित होती से दृष्टि विजु जनता दल भोट समय रे जो ललीपॉप दे भोट नबार चेष्टा करुछंती लोक एथर प्रत्याख्यान करिवे कुछ अन्य उपनिर्वाचन अन्य स्थान मान करे जे बीजेडी शासक दल बाजीबात करते किंतु उपनिर्वाचन परिवर्तन हो कि बीजेपी आनिबो कि देखंतु गणतंत्र रे जनता हले मालिक से मानको निष्पत्ति सर्वे सर्वा तो से दृष्टि आम भावुचु जे ब्रजराज नगर सचेतन भोटर भाई भौनी माने ये मत एथर भारतीय जनता पार्टी सपक्ष रे जीवो आज जितने हजार हजार बीजेपी कर्मी आप सामिल हेले आग को केमती सपोर्ट रखिए निर्वाचन समय के प्रक्रिय अधिक भोट विजय हो भारतीय जनता पार्टी तार निजस्व संगठन मध्यम आउ जनसाधारण सहित तार संपर्क बारंबार रखी आसी तेणु से ही संपर्क संदेश को आधार करी निश्चित जनसाधारण आशीर्वाद लाभ कर देखुले आलोचना कर आम सहित थे बीजेपी सभापति समीर महंती थे सीधा सल आलोचना करते अनेक मुद्दा रहा है एथर निर्वाचन समय जितने उपनिर्वाचन होथर कौटि ना कौटि ये आप जानते हैं प्रति उपनिर्वाचन जो समय होते शासक दल बाजीबात करते कि एथर सीधा सल समीर महंती राज्य सभापति कहते एथर अधिक मात्रे एटी उपनिर्वाचन बैजान उपनिर्वाचन बीजेपी गोटे प्रकार डेवलप कर कि जहाँ कहते हैं शासक दल जो विभिन्न योजना रही है ये योजना को मुद्दा रखी बर्तमान समय बीजेपी एटी उपनिर्वाचन लड़े जहाँ बर्तमान समय प्रतिक्रिया सामना कर झारसुगुड़ा कैमरा पर्सन रोहित सिंह सह मलय भाई अर्गस न्यूज।